हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बताऊंगा, सेफ कंपनी बताऊंगा, निफ्टी 50 का स्टॉक बताऊंगा जिसमें आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हो। इस कंपनी में आप मंथली भी SIP कर सकते हो, लमसम भी पैसा लगा सकते हो। आप सभी लोग को पोर्टफोलियो फ्रेंड ये स्टॉक होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन में दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं इसका ईयर टू रिजल्ट देख लेता हूं। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, सर्विसेज अच्छे हैं, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया जब कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करके देता है। आप लोग भाई क्वालिटी कंपनी पैसा लगाओ। जितना समय आप पेनी स्टॉक में दे रहे हो उससे अच्छा है कि आप लार्ज कैप कंपनी पैसा लगाओ, निफ्टी 50 कंपनी पैसा लगाओ, जिसका बिजनेस भाई आप लोग समझते हो उसी में पैसा लगाया करो, वरना आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, बोलते हैं कि मैं इस कंपनी फंस गया हूँ, उस कंपनी फंस गया हूँ। जब मैं उस कंपनी का फाइनेंशियल चेक करता हूँ तो भैया मुझे पता चलता है वो कंपनी पिछले 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से लगातार लॉस कर रही है। तो भैया कैसे पैसा बनेगा आप ही बता दो। तो देखो भाई, नेट सेल्स मार्च 15 में था वो 200.24 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 423.05 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है। ईयर टू ईयर वाइज 200 से 423 हो चुका है। इन 5 सालों में नेट सेल्स का डबल से भी ज्यादा हो चुका है भाई। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो टोटल इनकम था वो 211.66 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 448.56 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कमी होगा आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 149.22 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 302.03 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो एबिटा था वो 160.64 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 327.54 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कमी होगा आप खुद भी देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 125.93 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 360.17 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है, 125 से 307 हो चुका है भाई। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो पैट था वो 125.93 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 307.17 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका पैट है, 125 से 307 हो चुका है। एनुअल ईपीएस देख लो भाई, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो एनुअल ईपीएस था वो 7.91 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 19.30 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत बढ़िया इसका एनुअल ईपीएस है, 7 से 19 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी लोग इस कंपनी में पैसा लगाएगा, बहुत ही अच्छी कंपनी है, निफ्टी 50 कंपनी है, आपका इसमें पैसा भी सेफ रहेगा। बजाज फिनसर्व लिमिटेड अब तक किस तरह से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा टर्न बना के दिया है और आगे भी देगा भाई। तो देखो 10 साल में टर्न है वो 2061.79% है। तो भैया ये कंपनी पिछले 10 साल में वेल्थ क्रिएट करके दिया है।
सेंसो कॉटन है वो 169.90% टन है। 3 साल में देख लो भाई, 3 साल में कंपनी बहुत अच्छा टन बना के दिया है। 3 साल में टन है वो 317.03% टन है, तो देख सकते हो बहुत बढ़िया रिटर्न है 3 साल में। सेंसो कॉटन है 46.18% टन है। 1 ईयर में देख लो भाई, 1 ईयर में टन है 40.09% टन है। सेंसो कॉटन है 10.62% टन है। ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट में टन है 29.46% टन है। सेंसो कॉटन है 8.67% टन है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 29% टन बना के दे चुका है। वन मंथ में देख लो, टन है 2.51% टन है। सेंसो कॉटन है 0.58% टन है। 1 वीक में देख लो भाई, 1 वीक में टन है 1.91% टन है। सेंसो कॉटन है -0.65% टन है। 1 डे में देख लो, 1 डे में टन है -0.31% टन है। सेंसो कॉटन है -1.03% टन है। तो भैया आप लोग बजाज फिनसर्व लिमिटेड को अपनी पोर्टफोलियो में जगह दे, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आपको ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। निफ्टी 50 कंपनी है, पहले भी फ्रेंड मैं बजाज फिनसर्व पे कई बार वीडियो बना चुका हूँ, 55-56 सौ रुपए से मैं वीडियो बनाते आ रहा हूँ। अभी ये स्टॉक देख लो 8390 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो पैसा लगाइए, दिल खोल के इसमें पैसा लगाइए। अगले क्वार्टर में हो सके तो बजाज फिनसर्व में आपको बोनस या स्प्लिट देखने का मौका मिलेगा, या फिर दोनों ही हो जाएगा। बजाज फिनसर्व का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ, तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 58.37% होल्डिंग है। FIS के पास जो होल्डिंग है बजाज फिनसर्व में वो 8.3% होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है बजाज फिनसर्व में वो 3.71% होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है 2.4% होल्डिंग है। अदर डीए पर जो होल्डिंग है 0.39% होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 26.84% होल्डिंग है। कोई भी शेयर बजाज फिनसर्व का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास जो होल्डिंग है 39.16% होल्डिंग है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बजाज फिनसर्व का। बजाज फिनसर्व का पी रेशियो है भाई वो 41.48 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू है बजाज फिनसर्व का 5.62 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड जो है बजाज फिनसर्व का 0.02% का डिविडेंड यील्ड है। आरओई जो लेटेस्ट है बजाज फिनसर्व का 13.54% का आरओई लेटेस्ट है। वैल्यूएशन यहाँ पे देख सकते हो वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है। बजाज फिनसर्व का एट्रैक्टिव जो प्राइस होगा वो 4110 से 4446 के बीच एट्रैक्टिव प्राइस होगा, जो कि फ्रेंड कभी भी नहीं आने वाला। आप लोग अगर बजाज फिनसर्व में पोजीशन बनाना चाहते हो तो 7800 रुपया के आसपास पोजीशन बना सकते हो। क्वालिटी भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बजाज फिनसर्व का, तो देख लो भाई गुड बता रहा है। सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का है बजाज फिनसर्व का 47.87% का है। एबिट ग्रोथ देख लो भाई 26.91% का। तो भैया मुझे इसका सेल्स ग्रोथ एविड ग्रोथ 5 ईयर का बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बजाज फिनसर्व ने किस टाइप से टर्न बना के दिया है, तो देख लो भाई 10 साल में टर्न है वो 2061% टर्न है, 5 साल में 802% टर्न है, 3 साल में 316% टर्न है, 1 ईयर में 40% टर्न है, ईयर टू डेट में 29% टर्न है, 1 मंथ में 2% टर्न है, 1 वीक में 1% टर्न है। तो देख सकते हो ये कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंट टर्न बना के देती है, तो आप लोग इस कंपनी में पोजीशन बना सकते हो। बजाज फिनसर्व में पैसा लगा सकते हो, आईसीआईसी लोम्बार्ड में पैसा लगा सकते हो भाई। क्वालिटी कंपनी खरीदोगे तभी जाके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। बजाज फिनसर्व लिमिटेड का 52 वीक हाई है वो 8451.05, 52 वीक लो है 4960। मार्केट कैप देख लो भाई, अच्छा खासा मार्केट कैप है बजाज फिनसर्व का, 1,33,494.51 का मार्केट कैप है। तो भैया एक लार्ज कैप कंपनी है। पी जो है बजाज फिनसर्व का वो 434.65 का पी है। इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 31.82 का, तो इंडस्ट्री पी को मुकाबले बजाज फिनसर्व का पी बहुत ही हाई है। बुक वैल्यू जो है बजाज फिनसर्व का वो 198.63 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर देख लो भाई 19.30 का अर्निंग पर शेयर है, फेस वैल्यू 5 का है। तो भैया आप लोग बजाज फिनसर्व लिमिटेड को अपनी पोर्टफोलियो में जगह दें, बजाज फाइनेंस को भी अपनी पोर्टफोलियो में जगह दें।
दोनों ही भाई निफ्टी 50 कंपनी है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये दोनों कंपनी बहुत ही तेजी से टर्न बना के दे सकता है और भैया आपका पैसा भी सेफ रहेगा। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेसना, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग भाई क्वालिटी कंपनी पैसा लगाओ, क्वालिटी कंपनी पैसा लगाओगे भाई तभी जाके आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। धन्यवाद।